पहले खुल के श्री राम नहीं बोल पाते थे, तो आज खुल के श्री राम बोल रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू आलू बेचेगा और क्या करेगा। ये सरकार तो सबसे अच्छा कर रही है, बिजली बिल फ्री है सबसे बड़ी चीज, तो और भी बहुत सी चीजें हैं। पब्लिक को फ्री की आदत में ना डाल के मेहनत करके खाने कमाने में कुछ फायदा है। अब व्यापार में ये स्टेबिलिटी है, स्थिरता जिसे बोलते हैं वो है, और सरकार में दिखाई दे नहीं रही। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो तो महान महान है, वो बिल्कुल। तो फिर तो पीएम वही बनने चाहिए अगर महान है तो। जब ही तो महान है, पीएम के लायक नहीं है। पीएम के लायक नहीं केजरीवाल। आज शिवर इतने हर गली में चले और शिवर इतने बह रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारा तरफ से बीजेपी है, हमारे कुछ भी होता है हमारे बीजेपी ही जाता है, चाहे कुछ भी दुनिया इधर तो उधर जाए, बीजेपी कुछ भी हो। अच्छा बीजेपी हारेगी तो भी उन्हें डालेंगे? हमारे बीजेपी ही जाते हैं, हम बीजेपी के अलावा कोई दूसरा चुनते ही नहीं है। हमारे बीजेपी का ही सरकार है और बीजेपी ही रहेगी लास्ट तक। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 19 अप्रैल से चुनाव है जिसका नतीजा 4 जून को आएगा। आपको बता दें कि ये चुनाव जो है ये 7 चरण में किए जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग इस वक्त दिल्ली की बाजनपुरा मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर किसकी सरकार, यहाँ की जनता चाहती है कि किसकी सरकार अब की बार बने, ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे, उनकी भी दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी सरकार वो चाहती है और व्यापार में उन्हें कैसे फायदा हो सकता है अगर इसकी सरकार आती है। तो जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी की सरकार चाहती है कि बीजेपी दोबारा हैट्रिक ले, या फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार वो देख रही है दिल्ली में। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं भजनपुरा के लोगों की क्या है राय, क्यों क्या काम करा है ऐसा बीजेपी। बीजेपी ने बहुत अच्छे सुधार करा है। हाँ, जैसे बीजेपी ने जब भ्रष्टाचार था वो खत्म कर दिया पूरा इन चीजों के लिए। हाँ, ये चीज है। अच्छा, हाँ जी, चाहते हैं कि मतलब बीजेपी आए अब की बात। हाँ जी, की 7 लोकसभा सीट पर। हाँ जी सर। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं, क्या करा आम आदमी पार्टी ने? 7 लोकसभा सीट है, किसकी सरकार बने, किसका काम आपको पसंद है? मोदी जी का काम पसंद है। मोदी जी का काम क्यों पसंद है? मोदी जी का ही काम पसंद है कि सब अपने अपने हाथों पैर पर कमा रहे हैं, खा रहे, खुले घूम रहे हैं, और क्या। पहले दंगा फसाद करते थे, लूट मार करते थे, सब बंद है। क्यों, कांग्रेस आएगी तो दिक्कत हो जाएगी क्या? दिक्कत तो मैडम ना पहले थी ना आज है। हाँ। लेकिन हम आज भी कमा रहे, कल भी कमाएंगे, मेहनत हम लोग करते ही है। पहले खुल के श्री राम नहीं बोल पाते थे, तो आज खुल के श्री राम बोल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कांग्रेस जब थी तब श्री राम नहीं बोल पाते थे? हाँ, तब श्री राम नहीं बोल पाते, तब मुगल जो अपने भारत में जो मुसलमान थे। हाँ। वो बढ़ गए थे, इसलिए अब श्री राम बोल पा रहे हैं। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, मोदी जी ने ऐसा क्या काम करा है कि दोबारा से पीएम वो बने? लोकसभा चुनाव है ना, वो तो हमेशा ही पीएम रहेंगे और आगे भी रहेंगे। हाँ, जब तक हम रहेंगे तब तक वो पीएम रहेंगे। चलिए, 5 साल में आपकी क्या मदद करी है उन्होंने? मदद तो बहुत कुछ करी बेटा उन्होंने। हाँ, बीजेपी ने बहुत काम करे। जैसे 5 काम बता दो पिछले 5 साल। एक तो आपने 370 धारा हटाई, ठीक है जी, राम मंदिर बनवा दिया। हाँ। ठीक है, सीए लागू कर दिया। हाँ। और वैसे भी काम बहुत कर ही रहे, सब बढ़िया हो रहा है। अच्छा, तो कोई और क्यों नहीं आ सकती फिर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी कोई इस लायक लायक ही नहीं, नहीं। क्यों, राहुल गांधी तो है वैसे। राहुल गांधी पप्पू आलू बेचेगा और क्या करेगा। क्या करते हैं यहाँ पर? बरस बेचता हूँ। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए अब की बार? बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्यों बड़े बीजेपी प्रेमी लग रहे हैं आप तो शुरू से ही हमारे। क्यों, क्यों मन है हमारा बीजेपी चाहते हैं शुरू से। ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने जो बीजेपी चाहते हैं? हमने शुरू से बीजेपी से ही शुरू से करा है, इसलिए कांग्रेस को पसंद नहीं करते। नहीं करते, करते ही नहीं है, दिल नहीं मेरा चाहता है। दिल नहीं चाहता तो बीजेपी ने ऐसा कुछ तो क्या होगा ना कि आप बीजेपी चाहते हैं? वो करा ना करा मेरे सब बराबर है। अच्छा, बहुत अच्छा करा। क्यों, क्या करा है, किया क्या है बीजेपी ने? बीजेपी ने वो क्या नाम है आपकी, क्या 370 है और आपके अयोध्या का मंदिर बनवाया। अच्छा, ऊपर जितने में पढ़ा लिखा नहीं, इतने मैंने ज्ञान नहीं है। राम का मंदिर बन गया तो मतलब अब की बार बीजेपी आएगी? बीजेपी शुरू से आ रही है। अच्छा, शुरू से आ रही है बीजेपी। बीजेपी शुरू से कितनी महंगाई कर दे फिर भी मेरे को अच्छी लगती है। हाँ। कितनी महंगाई कर दे फिर भी अच्छी लगती है मुझे बीजेपी। इतनी महंगाई कर दी फिर भी अच्छी लगती है? हाँ जी। क्यों, केजरीवाल नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे, केजरीवाल अच्छे नहीं लगते। वो जाने, केजरीवाल जाने, हमें जानते नहीं हम केजरीवाल को। आप जानते ही नहीं केजरीवाल को? ना। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शाहनवाज। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने आपकी बार? केजरीवाल जो है। हाँ, और क्या, क्या काम करा ऐसा केजरीवाल ने? केजरीवाल ने क्या काम है, इजी है, सबको सुविधा दे रहा है, लेडीजों को सुविधा दे रहा है। हाँ। और क्या,
महिलाओं को फ्री बस सारी चीजें हैं। ये सरकार तो सबसे अच्छा कर रही है, बिजली बिल फ्री है सबसे बड़ी चीज तो, और भी बहुत सी चीजें हैं। मतलब चाहते हैं केजरीवाल है नंबर वन पे। ऐसे क्या काम कर दिया केजरीवाल ने? अभी उन्हें नोवा समन आ गया, शराब घोटाले मामले में उनका नाम आ रहा है। वो तो करते हैं यार, सब करते हैं। कौन करवा रहा है? वही सभी करवा रहे हैं। और कौन करवा रहा है? उनके जो खिलाफ हैं वही कराएंगे। और कौन? ऑपोजिशन पार्टी। हाँ, किसका नाम लेना चाह रहे हैं? खुलकर बोलिए। लेना नहीं चाहता मैडम, वो करा रहे हैं। जनता क्या चाहती है, जनता का हित क्या है? जनता तो खुद बता देगी क्या चाहते हैं। किसकी सरकार बने अब की बार? अब की बार बीजेपी सरकार बने, आगे 10 साल तक भी वही बनती रहे। क्यों, क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी ने? पब्लिक को फ्री की आदत में ना डाल के, मेहनत करके खाने कमाने में कुछ फायदा है? और व्यापार में ये स्टेबिलिटी है, स्थिरता ही से बोलते हैं, वो है। और सरकार में दिखाई दे नहीं रही। कांग्रेस आएगी तो क्या होगा फिर? कांग्रेस आएगी देश तो चलता रहेगा, लेकिन वो बात आएगी नहीं। स्पीड जो डेवलपमेंट की हो रही है ना, वो स्पीड की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, कांग्रेस आ गई ना, इनके पैर खींचेंगे। बीजेपी ने जो खींचना था खींच दिया, अपना पब्लिक की तरफ ध्यान है उनका। ये राहुल गांधी कैसे पीएम उम्मीदवार होंगे? राहुल गांधी अपने आप में काबिलियत में कोई कमी नहीं। राहुल गांधी की पार्लियामेंट में बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, जो टॉप 10 MP है उसमें से आता है। क्या चाहते हैं आपके बार, किसकी सरकार बने? बीजेपी सरकार। क्यों? मेरा मन है, मेरे को वो पसंद है। कुछ बात तो होगी ना, तभी तो आप बोल रहे हैं। चीज अच्छी है उनकी मेरे लिए, जैसे कुछ भी एवरीथिंग ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज, हमें हर चीज की सपोर्ट मिलती है। हमारे एरिया को ले लो, हमारे अदर स्टेट को ले लो, हर चीज की सपोर्ट मिलती है मुझसे। तो मतलब अब की बार अगर मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, तो 400 पार होगा? 600 भी कर देंगे। 600 भी कर देंगे? 600 तो सीटें ही नहीं है। 600 भी कर देंगे अगर हुई तो। अगर हुई तो कर देंगे, दिल्ली की जनता को पसंद है मतलब? हाँ बिल्कुल, फुल सपोर्ट है दिल्ली। अच्छा, ऐसे बीजेपी ने क्या काम कर दिया जो अब लोगों के मन में? बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। अच्छा, एक दो बता दीजिए। एक दो मैं कहता हूँ, गिनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। चलिए इलाके की समस्या ले लेते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी व्यापार में, सड़क में? व्यापार तो घटता बढ़ता रहता है। बिल्कुल, व्यापार की तो इस चीज को जो कहते हैं कि व्यापार में मोदी की सरकार जब से आई तो बीजेपी सरकार चली गई है। ऑनलाइन को देख लो ना, ऑनलाइन काम नहीं हो रहा, रिटेल से ज्यादा ऑनलाइन चल रहा है। क्यों चल रहा है? चल रहा है ना, हर चीज में चाहिए। अगर समझने का फेर होता बस इस चीज़ का ना, कि बिजनेस मोदी की सरकार ने GST लगा दिया, ये कर दिया, हर चीज़ में टैक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में हर, पहले 2 गाड़ी होती थी, 3-3 4-4 गाड़ी हर घर में, 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों पे गाड़ी है। पैसा कहाँ से आ रहा है? कमा के तो आ रहा है, कमा के तो आ रहा है, कहाँ से? घाटे में तो नहीं जा रहे, प्लस में जा रहे हैं। देखो अब की बार इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव 2024 19 अप्रैल से वोट डालने शुरू होंगे, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? बीजेपी। क्यों? काम अच्छा है। काम अच्छा है, इससे ज्यादा बेहतर क्या चाहिए? बेहतर क्या हुआ है, चलो पहले ये बताओ। 370 राम मंदिर और जनधन योजना चालू, बाकी काफी इसमें प्रोडक्ट इतने हो गए हैं जो कि सब सरकार के अंडर में है। इसमें कोई ज्यादा घपलाबाजी नहीं है। पहले क्या होता है, मन मर्जी, जहाँ मर्जी अपना सरकार बनानी है, जहाँ मर्जी अपनी, यानी कि रोटियाँ सेकनी है बस। इसमें कोई रोटियाँ सेकनी नहीं है, सबको लेके, सबका साथ, सबका विकास, हम खुश हैं, खुश हैं। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो तो महान, महान है वो, बिल्कुल। तो फिर तो पीएम वही बनने चाहिए अगर महान है तो? जब भी तो महान है, पीएम के लायक नहीं है। पीएम के लायक नहीं है केजरीवाल? आज शिवर इतने हर गली में चले जाओ, शिवर इतने बह रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी 1000 रुपए देने के कर दिया है, लड़कियाँ अभी से खुश हैं, शॉपिंग, मेरे कपड़े, मेरे सूट तैयार हो जाएंगे, हर महीने 1000 रुपए मिले। पर ये नहीं मालूम 1000 के चक्कर में 10,000 रुपए उनके परिवार वालों से वसूले जाएंगे। देखिए लोकसभा चुनाव है, अब 19 अप्रैल से वोट डालने शुरू होंगे, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों? बीजेपी क्यों आएगी? काम कैसा कर रही है बीजेपी पिछले 5 साल में, आपके लिए क्या करा है बीजेपी ने? वो सबको दिख ही रहा है, देखो सिंगरापुर बन गया है, और भी यहाँ से वो डेवलपमेंट हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, बाहर भी हुआ है, पूरे इंडिया में हुआ है, और आगे से अच्छा ही हुआ है, जो भी हुआ है। क्यों, अगर राहुल गांधी, केजरीवाल ये सब आएंगे तो फिर? जो जो केजरीवाल वो दिल्ली में ही, वो तो बाहर है नहीं, और जो राहुल गांधी है वो अभी उस लायक नहीं है कि वो तो बंदे बन पाए, पीएम बन पाए। और फिर उनमें आपस में मतभेद है, पार्टी में मतभेद है कांग्रेस में, तो कोई किसी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आपस में पार्टी टूटी जा रही है, ऐसे देश तो चलेगा? एक स्ट्रांग आदमी होना चाहिए ना, स्ट्रांग आदमी कोई है नहीं। आप भी किसी को देखोगे स्ट्रांग आदमी तो वोट दोगे ना? इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर कोई पीएम बनता है तो पीएम उम्मीदवार? कोई नहीं है पीएम फिलहाल तो, मोदी के आगे कोई नहीं है। मोदी के आगे कोई नहीं है? मोदी के आगे कोई नहीं है क्या? क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने? अलग ही सबसे हट गया है, अलग ही हट कर है।
दिल्ली में तो डेवलपमेंट हो रहे हैं और भी देशों में भी हो रहे हैं, बड़ा बड़े राज्य में कहीं कहीं भी हो रहे हैं, तब मोदी कर रहे हैं और कौन करवा रहा है, ये तो बात है ना, फिर वोट मिलना चाहिए। चलो आपको क्या समस्या आ रही है, अभी आप भजनपुरा मार्केट में क्या करते हैं, दुकान लगाते हैं ना? हाँ। ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं आप? केजरीवाल देखो खाली दिल्ली का है वो। हाँ। कोई तो है नहीं, फिर वो दिल्ली में जो कर रहे हैं और फिर उनके भी घोटाले भी पकड़े जा रहे हैं, जब अब सब उसके मतलब उसके खुद नौबत आ रही है, पता नहीं वो नीचे बन पाएगा, ये होगी वो बन पाएगा, कोई पक्का नहीं है ना, कंफर्म नहीं है ना, उसके आगे कोई है नहीं मोदी के आगे फिलहाल, तो कोई नहीं। राहुल गांधी अपना कोई मतलब अभी कोई उनके वही नहीं है, वोट बैंक ही ढंग से मिल पा रही है, वोट बैंक नहीं मिल पा रही। तो मतलब महागठबंधन जो है, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ है, इसमें से कोई सीएम बनने के योग्य नहीं है अभी, आप ये कह रहे हैं? तो नहीं है, सब घोटाले के अंदर मतलब पकड़े आ रहा है, कोई किसी चीज़ में कोई किसी चीज़ में। हाँ। कोई मतलब करप्ट ही है सारे, जो भी बात है, जब मतलब कोई किसी चीज़ में पकड़ा है, कोई किसी में पकड़ा आ रहा है, कोई मतलब साफ चेहरा नहीं है ना लोगों के आगे। हाँ। लोगों का साफ चेहरा हो तो आगे कोई मतलब वोट दे पाएगा, जो आगे कोई साफ चेहरा ही नहीं तो आगे कैसे वोट देगा। व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम है दीदी आपका? चंचल गुप्ता। हाँ, चंचल गुप्ता, क्या चाहती हैं? आपकी बार चुनाव है, किसको वोट डालेंगी? नहीं बताएगा। चलो मैं आपको बताती हूँ, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी अगर वहाँ पे करेंगी तो क्या आपके मन में क्या है, किसको वोट दें? हमारा तरफ से बीजेपी है, हमारे कुछ भी होता है हमारे बीजेपी ही जाता है, चाहे कुछ भी दुनिया इधर उधर जाए बीजेपी जीतो कुछ भी हो। अच्छा, बीजेपी हारेगी तो भी उन्हें डालेंगे? हमारे बीजेपी ही जाते हैं, हम बीजेपी के अलावा कोई दूसरा चुनते ही नहीं है, हमारा बीजेपी का ही सरकार है और बीजेपी ही रहेगी लास्ट तक। क्या काम कर दिया है ऐसा जो महिलाओं को भी इतने बीजेपी पसंद आ रही है? अभी तो केजरीवाल ₹1000 महीना दे रहे हैं महिलाओं को, कुछ भी हो, चाहे केजरीवाल पूरा फ्री कर देना, हमारे लिए तब भी बीजेपी जाएगी, ₹1,00,000 दे हमारे लिए तब भी हमारी, हमारे घर में तब बीजेपी, सब जगह बीजेपी, मोदी लहर, भगवा लहर, बिल्कुल भगवा लहर, भगवा आएंगे और भगवा ही लहराएंगे हम। देखिए, अब लोकसभा चुनाव है 24 में, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी जिस हिसाब से। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जो भी सरकार बने वो जनता के लिए काम करे। अच्छा। जनता के हित में काम करे, लोग परेशान ना हो किसी भी तरह से, धर्म से या रोजगार से, बस लोगों को फायदा पहुँचना चाहिए कुल मिला के, ये है, ये चाहते हैं हम तो, फायदा मिलना चाहिए। हाँ, फायदा मिलना चाहिए। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं किसको सपोर्ट करता हूँ? मैं तो उस इंसान को सपोर्ट करता हूँ जो लोगों की मदद करता है, चाहे वो राजनीति में करे या वैसे व्यक्ति रूप से करे। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छा काम भी किया है उन्होंने। हाँ। और जो है मैं पसंद भी करता हूँ उनका, अच्छा काम करते हैं वो। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ठीक है, लेकिन एकदम डिसीजन नहीं ले सकते उनके लिए, मतलब जिस हिसाब से मतलब वो बोल नहीं पाते या दूसरा काम भी उस हिसाब से नहीं कर पाते, ये है। कोई और दूसरा चेहरा होता प्रधानमंत्री के रूप में तो शायद जल्दी से सेलेक्ट कर ले आदमी, लेकिन राहुल गांधी के लिए सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। जी, तो मतलब अभी पीएम के तौर पर आप किसको देखते हैं? अगर देश की कमान किसी के हाथ में हो तो वो किसके हाथ में हो अभी? आप किसको वोट डालेंगे अभी? देखो, अभी तो सिर्फ दो ही पार्टी हैं बड़ी जो हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इन दोनों में जो है आम आदमी पार्टी भी तो है। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है अभी, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हाँ। क्योंकि जो बड़ी पार्टी है देश की वो दो ही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। उसमें जो है मोदी जी, जाहिर सी बात है सबको पता है मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस में थोड़ा आदमी सोचता भी है, लेकिन क्या है राहुल गांधी की वजह से पीछे हट जाता है, क्योंकि कोई चेहरा ऐसा दिखता नहीं। प्रियंका गांधी होती एक बार को शायद प्रधानमंत्री के लिए तो कुछ हो सकता था। देखिए, हम लोग दिल्ली की भजनपुरा मार्केट में मौजूद थे, जहां पर जनता का रुझान किस तरफ है वो तो आपने देख ही लिया होगा, कि जनता लोकसभा चुनाव 2024 में किसको पीएम बनाना चाहती है, उनका दिल क्या बोल रहा है, उन्होंने बताया हमें कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार अब की बार बने, क्योंकि राहुल गांधी केजरीवाल योग्य नहीं है पीएम बनने के, और साथ ही जो गठबंधन है उसके बारे में भी जनता ने बताया कि गठबंधन इधर उधर हो रखा है, तो इस वजह से सरकार बनना बेहद मुश्किल है, और अगर टक्कर में मोदी जी हैं तो सरकार बन ही नहीं सकती है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबई, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली।